30 अक्टूबर को शादी करेगी काजल अग्रवाल, इस जगह लेगी सात फेरे। सिनेमा की दुनिया में इस समय अच्छी खबर है। जहां कई फिल्मी सितारों ने कोरोना युग में शादी के बंधन में बंधे तो कई अभिनेत्रियों अब मां बनने वाली है। अभिनेत्री काजल अग्रवाल है जो दक्षिण भारत की जानी मानी अभिनेत्री है। काजल 30 तारीख को गौतम किचलू के साथ एक आंतरिक व्यवसाय चलाती है। अब काजल ने अपने मंगेतर गौतम किचलू के साथ एक तस्वीर साझा की है। काजल 30 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधेंगी। अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रशंसकों को सूचित किया। इसके बाद हर कोई गौतम किचलू को देखने और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहा था। अब काजल ने अपने भावी पति को प्रशंसकों के सामने पेश किया। दशहरे के मौके पर काजल ने गौतम के साथ अपनी फोटो शेयर की है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से दशहरे के शुभ अवसर पर गौतम के साथ खुद की बहुत खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में काजल और गौतम की जोड़ी कमाल की लग रही है। साथ में कैप्शन में काजल ने लिखा, हमारी तरफ से आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। उन्होंने गौतम को टैग भी किया है। काजल और गौतम ने इस अवसर के लिए पारंपरिक पोशाक पहनी हुई है। गौतम ने इस अवसर के लिए काले रंग का लंबा कुर्ता और पजामा चुना। काजल ने नीले रंग का कुर्ता और शरारा चुना। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। काजल ने इन तस्वीरों के साथ दशहरा की शुभकामनाएं भेजी हैं। हाल ही में काजल अग्रवाल ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने वेडिंग वैनिटी लिखा, काजल और गौतम किचलू की शादी एक निजी समारोह में होगी जिसमें परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे। इससे पहले काजल अग्रवाल की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें वह शादी से पहले बैचलर पार्टी करती नजर आ रही थीं। गौतम एक इंटीरियर व्यवसायी हैं। इंस्टाग्राम पेज को देखकर किसी को पता चलता है कि उन्हें डिजाइन कितना पसंद है। गौतम और काजल की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ दिनों पहले शादी के लिए तैयार ड्रेस की झलक दिखाई गई थी। उन्होंने प्रशंसकों से पूछा कि डिजाइनर कौन हो सकते हैं। काजल अग्रवाल दक्षिण सिनेमा में एक बड़ा नाम है। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम करने के बाद बॉलीवुड में भी अपना नाम बनाया है। उल्लेखनीय है कि काजल अग्रवाल की बॉलीवुड की हिट फिल्म सूची में सिंघम, स्पेशल 26 और दो लफ्जो जैसी फिल्में शामिल हैं।